नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज के रामपुर में जनहित अस्पताल स्थित लोक मंगल संस्थान में जुटे यमुना प्रसाद के कवि कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से खूब समा बांधा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जागृति मिशन के संयोजक डॉक्टर भगवत पांडे और अध्यक्षता शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला ने की। इस दौरान लोक कवि रामलोचन सांवरिया ने अपनी माटी और परंपरा से जुड़े गीतों को लेकर नए कलाकारों को तालीम सिखाई। कार्यक्रम का संचालन हास्य कवि अशोक बेशरम ने किया। प्रस्तुत कार्यक्रम की शुरुआत राजेश यादव द्वारा प्रस्तुत वाणी वंदना से हुई। इसके उपरांत कौरव के अतुल मिश्रा, गांधियाव के ब्रजेश मिश्रा, करछाना की मोहिनी श्रीवास्तव, त्रिभुवन नाथ गौड़, कुलदीप शर्मा सहित कई लोग कलाकारों ने पारंपरिक गीतों की प्रस्तुतियों पर खूब तालियां बटोरी। वहीं कौराव से आए युवा कवि सुशील हर्ष और बबलू सिंह बहियारी ने भी राष्ट्र प्रेम की धारा बहाई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रयागराज से देवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कोई बीघा के खेती में हम घर के पूंजी लगावा, कोई बीघा के खेती में हम घर के पूंजी लगावा, अनोल के पानी रात बिना हम, अनोल के पानी रात पहले हमका पनियौना पकड़ाए, पहले हमका पनियौना पकड़ाए, धान कटे से पहले हमका पनियौना पकड़ाए, देख के पनियौना के मर्जी हो, देख के पनियौना के मर्जी दियरा धक्का खाए, धनवा बेच के अपन भैया हमार धान कट जाए, हम तो हर पनियौना चुपका गई दिन कैसे कि धनवा बेच के अपन पूरा करब बचनिया हो, किसनिया जियरा मारे।